और पापा को इतनी जल्दी बच रही थी ना, सुबह से कह रहे बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। लगा देगा अभी, ये लगी अभी, लगी अभी, नहीं थक जाते हैं। अभी नया नया माल आया, पापा कह रहे खाने में भी तो मजा आएगा ना। ये 1 month का प्लान है, इसमें 3 GB डेटा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को तो ये होता है ना कि क्यों पैसे खर्च करने हैं बाहर, घर चलते हैं चाय वाय बनाते हैं। मम्मी जी हमने जा रहे हैं बाहर QFC और लेके आ रहे हैं। तो मम्मी जी सुबह उठी, हमने पूछा हमने आपको उठाया था कि कब उठाया। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और पेरेंट्स के आती है, हमारा जो शेड्यूल है वो ऐसा सही हो जाता है भाई, सुबह 6 बजे या 5 या 6 बजे हम उठ गए। अच्छा, अभी एक दिन हुआ है, पहले हमें क्लेम मत करो। हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रैवल तो पेरेंट्स ने किया, बट जेट लैग हमें हो रहा है। हम खुद ही 6-7 बजे उठ गए। हाँ जी, और यहाँ देखो सुबह सुबह उठ के मम्मी जी खाना भी बनाने में लग गई है। तो यहाँ पे बना रही है अरबी, अरबी विदेशी देसी अरबी बना रहे हैं, देसी अरबी बना रहे हैं। और यहाँ बन रहा है राजमा, और ये कढ़ाई देख रहे हो, नई कढ़ाई आई थी इंडिया से, तो आज इसको भी यूज कर लिया गया, इसी पे ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और वीर हो गए तैयार जिम जाने के लिए। मैं पता ही है मैं जिम छोड़ नहीं सकता हूँ। ओहो निकल पड़े हैं दोस्तों जिम जाने के लिए। एंड इससे पहले वाले व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा कि कितना ज्यादा मीठा खाया है, सोया चाप खाई है, मोमोज खाए हैं, और अब मेटाबॉलिज्म भी इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं कि भाई ये सब पच जाए। तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए थोड़ा सा जिम में जाके कैलरीज बर्न करके आते हैं। एंड फिलहाल आज भी वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है ऊपर, बट देखते हैं शायद 12-1 बजे के बाद से सनी हो जाए फिर से कल की तरह। बाय द वे आज बारिश भी आई है, देख रहे हो कल बारिश नहीं आई थी बट आज बारिश भी आ गई थोड़ी थोड़ी। पहली बार भाई मैं सुबह के 8 बजे कदम रखने जा रहा हूँ इस जिम में। लोग आते हैं भाई सुबह सुबह, तो यहाँ पे मुझे लगा जिम पूरा खाली होगा, बट 10-12 लोग तो हैं। पापा तो चले गए हैं नहाने के लिए, ठीक है। मम्मी आज भी बना रही है, बता दो तो रात में कैसा लगा, नींद आई नहीं? रात में मस्त नींद आई, बढ़िया नींद आई। हाँ, 7:30 बजे के सोए सोए, हाँ 5 बजे सुबह उठे, और पापा तो उठ गए थे 12 बजे ही, फिर दोबारा सो गए थे। नहीं, मैं उठ गई थी 1 बजे, फिर नींद खुल गई, फिर सो गई, फिर दोबारा सो गए। सही है, तो गर्मी और नींद पूरी हो गई। भाई साहब चेस्ट, ट्राइसेप्स और थोड़ी सी कार्डियो तीनों कर लिया आज मैंने, क्योंकि अब 6 दिन तो जिम आना होगा नहीं, क्योंकि जा रहे हैं घूमने। तो जितनी मैं कैलोरीज बर्न कर सकता था वो आज कर लिए, और अब घर जाके फिर से दोबारा से मीठा खाया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे समर स्टार्ट हो चुकी है ना, तो सामने देखो फार्मर्स मार्केट लगना स्टार्ट हो गई है। तो हर ट्यूसडे को लगती है फार्मर्स मार्केट, एंड आई गेस ये अब सितंबर तक लगती रहेगी। तो यहाँ पे अभी स्टॉल लगने स्टार्ट हो गया, 12 बजे से स्टार्ट होगी एंड 6 बजे तक मार्केट लगी रहेगी ये वाली। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको देखना होगा ना कि कैसी मार्केट होती है USA में, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल भागते हैं घर और कुछ खाते हैं। तो टाइम हो गया है 10, और जनरली इस टाइम तक मैं या तो जिम जाने की तैयारी कर रहा होता था या फिर हम वहाँ पे सोफे पे बैठे होते थे, और आज नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और ऊपर से खाना भी रेडी हो चुका है, वो भी एक सब्जी नहीं 2-2 सब्जी, मतलब अरबी इसमें और इसमें राजमा, डबल डबल सब्जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मम्मी जी हमारी आदत बिगड़ जाएगी, हम फिर रह नहीं पाएंगे जब आप चले जाओगे, आदत डल जाएगी ना वैसी, वैसी करना फिर हम वो, हाँ बनेगा नहीं ना फिर। चलो अभी खाना खाते हैं, फिर 1-2 बजे बाहर चलेंगे लंच करके। हाँ, और ब्रेकफास्ट में तो भाई यहाँ पे ओट्स तो है ही, और उसके साथ खाया जाएगा चूरमे का लड्डू और तिल का लड्डू। क्या कह रहे हो? जो कि आधा खा चुके हो। तो मैं भूल गया था ना जो उसमें क्या कहते हैं टेस्ट में। तो भाई मैंने ना ये क्रॉक्स मंगवाई थी पापा के लिए और मम्मी के लिए, पर उनको पता नहीं है कि ये मैंने मंगवाई है, अभी जाके देते हैं और होपफुली साइज जो है इसका सही है, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। पापा ये लो,
चप्पल आपकी क्रॉक्स। अरे ये नहीं पहनी, ये बाहर की है, ये इसको यही रहन दो, इसको यही रहन दो। और ये रही मम्मी की, हम तो ऐसे ही चलते हैं बाहर पहनने के लिए। दोनों की ले रखी है कॉस्को से, क्रॉक्स की है ये। तो अब साइज देख लो, साइज इसका सही आना चाहिए बस, साइज तो सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, साइज ठीक है ना, ठीक है साइज का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। निकाल दो, निकाल दो, ये निकल जाएगा ऐसे ही। पापा पूरी छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं अभी। पहनी हुई थी वो अच्छी है ये। तो भाई फाइनली पापा ने तो एक बार वो पॉटराइज वाली गरम वाली पहन ली। खा पीकर और थोड़ा सा आराम करने के बाद निकल पड़े हैं बाहर। मम्मी आप लोगों को थोड़ी सी सिटी घुमाने के लिए, और पापा को इतनी जल्दी मच गई थी ना, सुबह से कह रहे हैं बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। पापा पैसे सबसे पहले, सबसे पहले चले गए पापा इधर, मम्मी इधर, और पता नहीं कहाँ गए हैं। नहीं नीचे खड़े होंगे, गाड़ी तो पता ही है उनको। बाय द वे भाई, अरबी की सब्जी जो मस्त बनी थी सारी चट हो गई, सारी खत्म हो गई, बस राजमा बचा हुआ है ना, बट अरबी की सब्जी मस्त बनी थी मम्मी ने। वो खड़े है? वो खड़े पापा। पापा 10 मिनट पहले ही जाके वहां पे खड़े हो गए, कहीं जल्दी तैयार हो गया था ना मैं। हां बढ़िया मौसम हो रखा है, आपको तो थोड़ी सी ठंड लग रही होगी अभी या नहीं? ठीक है अभी तो ठीक है, इसलिए दूसरी जो स्वेटर रखी थी। ठीक है, अच्छा मौसम हो रहा है। हां 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 रेडी तो ताना गिरी पापा को कि आगे बैठ जाओ पापा, पापा इधर आ रहे हैं। वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट में ड्राइविंग रहती है। पापा को दिखाते हैं ऑटो पायलट। तो ये पापा ऑटो पायलट पे लगा दी गाड़ी, अभी ये लगी, अब लगी, अभी नहीं तो थूक जाते हैं। बहुत अच्छा ऑटो पायलट चलाया तुमने। ये टेढ़ी क्यों जा रही है? फिर अच्छा ऑटो पायलट भी नहीं लगी, अब लग गए। तो अब ये जाएगी सीधा, बट अभी ये जो हमारे पास पहले वाला था ना उसमें क्या है कि ये रेड लाइट पे रुक भी जाती, बट अभी रेड लाइट पे रुकेगी नहीं, अभी तो गाड़ी आगे खड़ी है इसलिए रुक गई। अगर आगे कोई गाड़ी नहीं होती ना रेड लाइट मार दो क्रॉस कर जाती। पापा को ऐसा लग रहा होगा इस साइड बैठ के कि गाड़ी स्टीयरिंग कहाँ गया, स्टीयरिंग नहीं है। हाँ स्टीयरिंग होता तो इस साइड पे ही है इंडिया में, क्या चक्कर है। हाँ हवा बहुत तेज चल रही है ना। चलो सामने ही है। अरे यार माइक नहीं लेके आया मैं तो ऑडियो अच्छी आएगी नहीं, माइक नहीं लेके आया ना तो हवा चल रही है तो ऑडियो अच्छी नहीं आएगी। फिलहाल अभी आए हैं भाई नॉट स्टॉर्म रैक, तो कल हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चलना रहेगा। मम्मी को दिलाएंगे फर्स्ट क्लास शूज़, देन उसके बाद हम लेने चलेंगे सिम कार्ड, टेम्पररी वाला मतलब प्रीपेड सिम कार्ड, एक मंथ वाला अगर मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद हम सियाटल प्रीमियम आउटलेट गए थे जिसका व्लॉग आपने देखा ही होगा, जहाँ पे मैंने खूब सारी शॉपिंग करी थी, पर मेरी शॉपिंग हो नहीं पाई थी, मेरी शॉपिंग आज करेंगे। तो आज मैडम पूरी कसर निकाली। साइज कौन सा है? नौ नंबर आएगा क्या आएगा? तो पहले नौ नंबर ट्राई करवा लो। कहाँ पे है? ये नौ नंबर है सारे। हाँ पहले एक नंबर ट्राई कर लो, उससे पता चल जाएगा। ये देखो मम्मी वाला कलर। यार ये तुम मेरा क्यों नहीं ढूंढ के लाते हो, पहले ये बताओ। तो मम्मी की शॉपिंग करवा रहा हूँ ना यार मैं। तो ये कंफर्टेबल होगा ना, जितना छोटा हल्का होगा उतना कंफर्टेबल होगा। ये इसका दूसरा वाला साइज। ये देखो भाई हमने मम्मी के लिए इतने सारे जूते यहाँ पे लाइन से सजा दिए हैं, अब देखे कौन सा, अब एक एक पहन के देखो। अभी नया माल आ गया, कमाल आ गया।
ये ट्राई करके देखो, अब देखो मम्मी को कौन सा पसंद आएगा। जूतों की कलेक्शन देख के भाई मैडम की फरमाइश आई है, यार मेरे लिए भी ढूंढ के ले आओ यार। मैं आया हूँ मैडम के लिए जूते देखने के लिए कि कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 9.5 में, 9 में तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन लगती है, 9.5 में देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। ये थोड़े सही से लग रहे हैं, दिखाता हूँ मैडम को। ताना ये देख, ये कैसे बकवास है, ये अच्छा कलर नहीं है। कौन सा अच्छा लग रहा है वो बताना। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा सा। और ये नहीं, तो वो ट्राई करके देख लो। मम्मी को चाहिए प्लेन और मैं ढूंढ रही हूँ शेड मिल जाए जैसे ये नाइकी का है। हाँ। क्या कह रहे हो, ये अच्छा लगे, ये मुझे पता था तुझे पसंद आएगा, इसलिए मैंने देखते ही मुझे ये पसंद आ गया था, मतलब पता चल गया था कि तुझे पसंद आ जाएगा ये वाला जूता। काश ऐसा हो जाए। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है मैडम। हम सिएटल प्रीमियम आउटलेट गए थे जूते लेने के लिए, वहाँ से अच्छा तो हम यहाँ आ जाते है ना, कलरफुल भी है और काफी सही भी है, नाइकी का है ऊपर से जिसपे इतनी लंबी लाइन लगी होती है। हाँ जी, हमने क्या पसंद किया देखो, सेम जूते बट डिफरेंट साइज देख लो। हाँ जी मैडम, मजे आ गए, इतने मस्त जूते ले लिए और उतने मस्त पैसे भी तो लग गए। कोई बात नहीं, जूते भी तो अच्छे हैं यार, खाने में मजा आया। हाँ। पापा कह रहे खाने में भी तो मजा आएगा ना। चलो जी, जूते का काम तो निपट चुका है, पैसे लगे किसके हैं, खाएगा कौन। अब चलते हैं बेस्ट बाय, वहां से सिम कार्ड का देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, आसपास दिखा रहा था शायद, तो बेस्ट बाय से सिम कार्ड देख लेते हैं एंड देन फिर मार्शल्स या फिर ओल्ड नेवी चलेंगे, क्योंकि मैडम के अंदर कपड़े कुछ खास पसंद आए ही नहीं है, तो कपड़े भी खरीदना भी मैडम का बाकी है। और फिलहाल हमारे पास अभी टाइम है तो इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो फिर घर ही जाते। अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, कितना 2:30 बजे आ रही है, पूरा दिन है, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, इतना टाइम है हमारे पास, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, क्या क्या कर ले आज। हमें तो गर्मी लग रही है, मम्मी आपको ठंड लग रही है, मम्मी को लग रही है। पहुंच चुके हैं बेस्ट बाय, तो यहाँ से देखेंगे अपन सिम कार्ड, मतलब दो ही सिम कार्ड ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि हम हाँ समझ आ रहे हैं। एक है मिंट मोबाइल का, उसका 3 महीने का प्लान मिलता है बट मिनिमम से मिनिमम, और दूसरा है बूस्ट मोबाइल। बूस्ट मोबाइल का 1 महीने का प्लान है, वो भी सेम नेटवर्क यूज करता है जो कि मिंट मोबाइल यूज करता है। अच्छा। हाँ, तो देखते हैं अगर इनके पास मिलता है बूस्ट वाला तो वो वाला ले लेंगे, नहीं तो फिर मिंट वाला लेंगे। रेफरल का कुछ होता है क्या, मैं रेफर करके? न्यू कस्टमर का कुछ उसमें डिस्काउंट है। हाँ, कह रहे पापा की और मेरे मतलब की दुकान, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलेगा, कैमरा वैमरा फोन लैपटॉप इवन किचन अप्लायंसेस। सारी ई बाइक है, ये सारी ई बाइक है। हाँ, टायर देख रहे हो उसका कितना मोटा है, मोटरसाइकिल है। हाँ, ड्रोन्स मिल रहे हैं यार एक से एक। अरे तुम जो लेना है वो हम पहले वो लेंगे। ठीक है ठीक है, सिम देख लेते हैं, हम भटक गए थे। आ जा। तो जी ये रहे सारे सिम कार्ड, तो मिंट टोटल ट्रैक फोन और वेरिजोन का, और इनके पास है और एक अल्ट्रा मोबाइल भी है। हाँ जी, मैंने बोला 1 महीने का लेना है तो वेरिजोन या ट्रैक फोन या फिर अल्ट्रा मोबाइल का ले सकते हैं। तो ये वेरिजोन मतलब टोटल का, ट्रैक फोन का, ये वेरिजोन है टोटल बाय वेरिजोन, टोटल बाय वेरिजोन और अल्ट्रा का। मिंट मोबाइल में इसमें मिनिमम 3 महीने का प्लान आता है जो मैंने बोला था, और बूस्ट वाला भी इनके पास है बट उसका भी इनके पास 3 महीने का ही प्लान है। तो फिर अपन यही सोच रहे हैं कि ये वाला ले लेते हैं। ये 1 महीने का प्लान है, इसमें 3 GB डेटा मिलेगा और $19 का पड़ेगा ये 1 महीने के लिए, विच इज फाइन है ना। मिंट मोबाइल भी अगर लोगे तो $15 का पड़ता है पर मंथ। इसका भी देख लेते हैं, ट्रैक फोन नीचे कहीं होगा, यही अल्ट्रा वाला ही समझ में आ रहा है। इसमें अनलिमिटेड टॉक टाइम भी मिल रहा है
एंड बाकी जो दिख रहे हैं ना, जैसे ट्रैक फोन उसमें $20 का दिखा रखा है, यहाँ पे $35 का दिखा रखा है, 2GB है और इस हाँ, वाले में 3GB इसमें 3GB भी है। अब मुझे ये नहीं पता ना कि टोटल और ट्रैक फोन का और मिनिमम प्लान कोई होता है या नहीं होता है, वो नहीं पता। तो इससे तो क्या ही होगा। हाँ यार, $19 से तो क्या ही सस्ता मिलेगा। ठीक है ना, यही ले लेते हैं सिम। ये वाला फाइनल कर लिया है, फाइनली अल्ट्रा मोबिल का सिम। ये देखो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, फायर ट्रक खड़ा हुआ है क्योंकि वो ये एक्सीडेंट हुआ है, देख ओ गंदा एक्सीडेंट हुआ है। देखो ब्लिंक करने लग गई ना। yes. तो अभी ये गाड़ी चार्ज होने लग गई है और यहाँ पे अंदर देखेंगे तो वो देखो बता भी रहा है स्क्रीन पे अंदर कि 12% अभी है और 25 मिनट लगेंगे इसको चार्ज पूरी 80% तक होने में। सिर्फ 25 मिनट। हाँ सिर्फ 25 मिनट, तो 80% मैंने सेट कर रखी है। 80% मोर सफिशिएंट है, उससे ज्यादा बोलते हैं कि मत करो 90-100। हाँ तो गाड़ी भी चार्ज पे लगा दी है। तो कल गए थे ना मम्मी आप लोगों को लेने एयरपोर्ट, तो दिखाया था कि 36% बैटरी उसकी बची थी, वापस आते आते 20% रह गई थी। तो हमने कल कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि नहीं बचेगी बैटरी, तो अभी पीछे गाड़ी आप चार्ज पे लगा दी है, 25 मिनट में चार्ज होगी। तब तक अपन जाएंगे सामने स्टारबक्स से कॉफी पियेंगे और मम्मी आपको भी पिलाएंगे। काफी मनाने के बाद आखिरकार मम्मी पापा ने स्टारबक्स की कॉफी ले ली। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को तो यही होता है ना कि क्यों पैसे खर्च करने हैं, बाहर घर चलते हैं चाय वाय बनाते हैं। हमने कहा कि हम चाय भी पी लेंगे बट हम यहाँ पे कॉफी भी पी लो वगैरह वगैरह। और जितने में हमारा ये ऑर्डर आया उतने में हमारी गाड़ी भी ऑलमोस्ट चार्ज हो चुकी है, सिर्फ 5 मिनट बचे गाड़ी को फुल चार्ज होने में। वैसे 80% तो ये हो ही जाती है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया था, 84 कर दिया था क्योंकि हमारा ऑर्डर आया ही नहीं था। तो चले आगे मैडम गाड़ी में, 5 मिनट रह गए पर चार्ज हो जाएगा। कैसी लगी? ठीक है ना, सही है? ये ताने की फेवरेट है, ताने यही लेती है, मैं ये लेता हूँ। ये वाली अच्छी लगी, ये कड़वी है, ये नहीं पीनी। इसमें ना चीनी है, खाली कॉफी है और पानी है। कैसा लगा? अच्छा है, बढ़िया है। ये जैसे वो होता है ना हमारे देशियों में कि आप चाय के साथ फैन खाते हो, बिस्कुट खाते हो, ऐसे यहाँ पे लोग कॉफी के साथ खाते हैं। चलो जी अब हम आए हैं हमारी आज की आखिरी डेस्टिनेशन पर जो कि है ये मार्शल्स। तो यहाँ पे मैडम देखेंगे कि मैडम को जो सामान चाहिए वो मिलेगा या नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में ढूंढ लो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई घर वापस चलेंगे। चार बज गए और नींद आ रही है बहुत गंदे वाली, एंड देन हमें पैकिंग भी करनी है जो कि हुई नहीं है अभी तक। हमारी पैकिंग हो चुकी है, मेरी पैकिंग बची है। देरी ही मेन है मेरी, तो करनी ही क्या थी, कितने कपड़े रखने थे मेरे, नहीं करनी थी, बहुत पैकिंग होती है। होती है ना बहुत पैकिंग, हाँ। करनी है आज। हाँ जी हो गई शॉपिंग सारी, चले अब घर। पापा ने बची इधर से। अच्छा पापा ने क्यों? पापा तो तुम्हें मना करना था ना। मैंने बोला था। अरे पहुंच गए घर एंड पापा जी जो है ना पैसे कन्वर्ट करके लेके आ रखे हैं, तो पापा जी को कहती है कि मैं खर्च करूँ जब तक होंगे पापा जी मैं दूंगा पैसे जल्दी शांत हो जाएंगे। जितने कन्वर्ट करवाए इतने तो मैं यूज करके सारे के सारे। हाँ जी क्या किया जा रहा है? फिर कलर लगवाना, ये सही है भाई। कल भी मैडम देख रहे हो पूरी ब्यूटी टचअप करवा के आई है और आज हेयर कलरिंग की जा रही है, और मुझे देखो मैं तो कुछ किया ही नहीं है भाई, मैंने बाल तक नहीं कटवाए देख। तो तुम भी बोलो ना, टावल लगा ले, टी-शर्ट में ना लगे तो पेपर लगा दो, मम्मी के आने का तुम पूरा फायदा उठा रहे हो पता है। कपड़ा हो रहा हो वो लगा लेना, कल ही हम ये लेके आए थे पता है, रात को करा QFC से गिर जाएगा ये। रात को लेके आए थे? हाँ रात को तो गए थे, मम्मी जो सो रही थी, मम्मी जो सो रही थी तो हम तो ताने गई मम्मी के पास कि मम्मी जी हमने जा रहे हैं बाहर QFC और लेके आ रहे हैं। तो मम्मी जी सुबह उठी, हमने पूछा हमने आपको उठाया था, कब उठाया मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या कह रहे थे, क्या लग रहा था, खाने का पूछा है? हाँ खाने का या फिर पंखे का पूछा होगा। तो पूछा ही था वो तो याद है मुझे। कल एकदम गहरी नींद में थी, कल थके हुए भी थे ना।
और पापा तो अभी जाके सो भी गए हैं, अभी कितने 7 ही बज रहे हैं अभी। पापा गलत टाइम पे सोए, फिर रात को फिर जगे। हाँ अभी डिनर भी करना है वैसे तो, डिनर भी नहीं किया। लो जी एक रफ एडिट तैयार हो चुका है, अब बाकी का काम करेगी तानिया। एंड फिलहाल जितनी भी क्लिप्स इसमें ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में पड़ी हुई थी ना, वो इसका बैकअप ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारी वीडियोस बनने वाली हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए लैपटॉप में जगह भी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने सारे गैजेट्स चार्ज भी लगा दिए। आई नो थोड़ा सा मैसी हो गया है, बट ये सारा का सारा भी साफ़ हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी डिनर की भी तैयारी चल रही है,